हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मार्किंग स्कीम शेयर कर रही हूँ। क्लास 11 कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम की सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश कोर 301 कोर, ठीक है। ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है बच्चों, तो आप यहाँ से अपने आंसर मैच कर सकते हो। सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर आपके ये रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ का आंसर फिफ्थ का सी हो जाएगा, सिक्स का डी एंड सेवन्थ का आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको आंसर में क्या लिखना था। उसके बाद एट्थ का दिया गया है सी एंड नाइन्थ है। ये पैराग्राफ के जो कॉम्प्रिहेंशन के आंसर रहेंगे आपके। सेकेंड केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज दिया गया है, उसके आंसर्स आपके रहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद देखिए सेवन्थ और सिक्स एंड सेवन्थ का आंसर। उसके बाद नोट मेकिंग है 5 मार्क्स की, टाइटल नंबरिंग और इस तरह से आपके जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो इस तरह से रहेगी। इसमें किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, समरी में आपको कंटेंट के 2 रहेंगे, एक्सप्रेशन के 1 रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है सेक्शन बी क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर ये होगा। उसके बाद फिफ्थ का आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है फिफ्थ। उसके बाद सिक्स्थ एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट कंटेंट एक्सप्रेशन सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स, उसमें कुछ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मैच कर सकते हो। सूटेबल लीडिंग, इसमें फ्लैट 4 परचेज हो जाएगा, फर्स्ट टाइम बायर, अफोर्डेबल, ये सारे पॉइंट्स आप इस आंसर में दे सकते हो। उसके बाद आपका पोस्टर मेकिंग है, फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरह से, आपके मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। और बच्चों, अगर आपका पेपर ये 80 मार्क्स का है तो आपको इसमें 33% यानी 27 मार्क्स लेने बिल्कुल मैंडेटरी हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ना ही इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ के आप पास होगे। यहाँ पर आपको अलग से 27 मार्क्स लेना जो है यहाँ पर मैंडेटरी है। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का यही सबसे बड़ा लॉस होता है कि आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलते और ना ही आप जो है इंटरनल असेसमेंट के मिला के यहाँ पर पास होते हो। आपको सेपरेट थ्योरी में पास होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16, डियर डायरी, किस तरह से आप डायरी एंट्री कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप कंप्लीट डायरी एंट्री देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में जो दिया गया है, तो ये था कंप्लीट आंसर की। आई होप आपके लिए बच्चों वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं और आपने कितने स्कोर किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।